आप देख रहे हैं पुलिस वाला बात न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। दिनांक 13 फरवरी 2023 को अजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आम सभा को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब, 50,000 से अधिक भीड़ का अनुमान। भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा शिवराज सिंह चौहान ने किया मध्य प्रदेश का सत्यानाश, पन्ना को बनाया अवैध उत्खनन की राजधानी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को कलाकार बताते हुए मुंबई जाकर कलाकारी कर मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने की नसीहत दी। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पन्ना जिले में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, मुझे ताज्जुब लग रहा है कि वो मुझसे 15 महीनों की सरकार का हिसाब मांग रहे हैं, जबकि खुद जानते वो हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। इस बात से उन्होंने सीएम को चैलेंज करते हुए कहा कि वो जनता के बीच आ जाए और मैं जनता को 15 महीने का हिसाब देता हूं, लेकिन वो भी 190 महीने का हिसाब दे। कमलनाथ के कार्यक्रम में छाए रहे अवैध रेत उत्खनन और भ्रष्टाचार के मुद्दे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, गुनौर विधायक शिव दयाल बागरी, रैगांव विधायक, चित्रकूट विधायक सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भरत मिलन पांडे ने कांग्रेस के लिए जनता का साथ मांगा, लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। क्या संगठन की मजबूती है, मेरा पूरा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में हर जिले में हमारा संगठन मजबूत हो, क्योंकि हमारा चुनाव केवल भाजपा से नहीं है, भाजपा के संगठन से है। हम मंडल सेक्टर बना रहे हैं और राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है।